हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू। इज मैटर अराउंड अस प्योर? देखो, फर्स्ट चैप्टर में अपने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर जो अपने चारों तरफ ऐसा कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब वॉल्यूम हो और जिसमें मास हो, उसे मैटर कहते थे। फर्स्ट चैप्टर में अपने मैटर के क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तब बोला था कि मैटर जो होता है वो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। और फर्स्ट चैप्टर में अपन ने फिजिकल बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो फिजिकल बेसिस पे मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर में अपन मैटर का कौन सा क्लासिफिकेशन रीड करेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन रीड करेंगे। तो मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कि उसके अंदर के केमिकल कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं, जिनसे वो मिलकर बना है वो कैसे हैं, उनके बेसिस पर मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर कौन सा होता है? वो मैटर प्योर कहलाता है जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हो, उसे क्या कहेंगे? प्योर मैटर। और जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे वो मैटर बना हुआ है वो एक से ज्यादा टाइप के हो, और साथ ही साथ में वो जो ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ फिजिकली मिक्स है, मतलब उनके बीच में किसी रिएक्शन से मिक्स नहीं है, सिर्फ उनको बस ऐसे एक दूसरे के साथ में डाला हुआ है, और किस रेशियो में डालना है वो भी फिक्स ना हो, तब उसे क्या कहेंगे? इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर कौन सा होता है? व्हेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सेम इन केमिकल नेचर, देन मैटर इज नॉन एज प्योर। जबकि इम्प्योर मैटर कौन सा होता है? इम्प्योर मैटर में क्या आएगा? व्हेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर नॉट सेम इन केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में सेम नहीं होते, साथ ही पार्टिकल आर फिजिकली मिक्स। फिजिकली मिक्स मतलब बस एक दूसरे के साथ मिला देना है, टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता, देन मैटर इज नॉन एज इम्प्योर मैटर। ये कोई भी प्रपोर्शन नहीं होने को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे अगर अपन घर में सिकंजी बनाते बच्चा, तो उसमें अपन पानी लेके उसमें नींबू, सॉल्ट, शुगर ये सब डालते हैं। अब वो किस रेशियो में डालना है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपने टेस्ट के हिसाब से अपन किसी भी मिक्सर में वो डाल देंगे, तो वो जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर मैटर। ठीक है, तो इम्प्योर मैटर में जो चीजें मिक्स की जाती है उनका रेशियो फिक्स नहीं होता, किसी भी प्रपोर्शन में मिला देंगे, फिजिकली मिक्स करेंगे, और पार्टिकल जो होंगे वो केमिकली क्या होंगे? अलग अलग तरह के। जबकि यहां पर पार्टिकल जो होंगे वो केमिकली क्या होंगे? सेम होंगे। इस चैप्टर में फिर आगे अपन को प्योर और इम्प्योर मैटर के भी क्लासिफिकेशन करने हैं। तो प्योर मैटर जो है इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब ये क्या है ये अपन देखेंगे वन बाय वन। और एलिमेंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक इसी तरह जो इम्प्योर मैटर जिसे मिक्सर भी कहते हैं वो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस को सॉल्यूशन कहते हैं, हेट्रोजीनस में क्या आएगा? कोलाइड और सस्पेंशन। इसे अभी डिस्कस नहीं करते, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, यही इस चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन है। जब एक एक करके सारे टॉपिक हो जाएंगे फिर अपन मिक्सर का प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे, यही इस चैप्टर के कंटेंट है, तो अच्छे से ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्योर मैटर। तो देखो, प्योर मैटर अपन समझ चुके हैं कि वो मैटर प्योर कहलाता है जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे हो। तो प्योर मैटर दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो देखो, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो होता है वो प्योर मैटर या मैटर की बेसिक फॉर्म होती है, जिसको और सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, उसे अपन क्या कहेंगे? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ अ मैटर That cannot be broken down into simple substance by chemical reaction. उसे अपन क्या कहेंगे? एलिमेंट। ये केमिकल रिएक्शन जो टर्म है अभी अपन आगे लेक्चर में अच्छे से समझ लेंगे। अभी के लिए समझ लो कि किसी भी मेथड से एलिमेंट जो होता है उनसे और सिंपल फॉर्म नहीं निकाली जा सकती, उसे अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट कहेंगे। टर्म जो एलिमेंट थी वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। और जो ये अभी अपन ने ऊपर जो डेफिनेशन रीड की है ये किसने दी थी? लेवोसियर ने दी थी। जैसे मान लो गोल्ड, गोल्ड एक तरह का क्या है? एलिमेंट। अब गोल्ड को किसी भी केमिकल रिएक्शन से तोड़कर उसे किसी और
सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि गोल्ड को तोड़ के ऑक्सीजन निकाल ली, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में, और ये बेसिक फॉर्म में, इन्हें अब और आगे किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर जो ये एलिमेंट है, इनको कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है, लस्टर, इसका मतलब किसी चीज का न्यूली सरफेस जो अपन कट करते हैं, जैसे मान लो इसको कट कर दो, तो कट करने के बाद जो नई सरफेस आई वो क्या साइन करेगी या नहीं करेगी, उसे कहेंगे लस्टर। हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा या नहीं करेगा। डक्टिलिटी मतलब किसी चीज से वायर जैसी चीजें बना सकते हैं या नहीं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। मेलिबिलिटी मतलब किसी चीज को ऐसे मार के या प्रेस करके या किसी भी तरीके से उसे थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो उसे मेलिबिलिटी कहते हैं। और सोनोरिटी मतलब किसी चीज को ऐसे स्ट्राइक करने पे उसमें से साउंड प्रोड्यूस करना, वो भी एम्पलीफाइड साउंड जो ट्रेवल करे बहुत दूर तक, उसे क्या कहते हैं, सोनोरिटी। इन सारी प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट को फिर डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। जनरली मेटल ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, और मेटलॉइड्स इन दोनों के मिक्सर होते हैं, मतलब इन दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, मिक्सर नहीं कहेंगे, दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी शो करेंगे, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी कह सकते हैं उन्हें, क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स। इसे अपन अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। फिर देखते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा, एलिमेंट को अपन ने पढ़ लिया कि एलिमेंट वो प्योर मैटर है जिन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कंपाउंड क्या होंगे, वो प्योर मैटर होंगे जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब एक कंपाउंड जो होगा वो टू और मोर एलिमेंट के मिक्स होने से बनेगा, मतलब कंबाइन होने से बनेगा, मिक्स वर्ड यूज नहीं करेंगे इस चैप्टर में, टू और मोर एलिमेंट के कंबाइन होने से बनेगा, और वो भी ऐसा कंबाइन जो केमिकली कंबाइन हो, फिजिकली कंबाइन नहीं, और केमिकली कंबाइन भी होगा साथ ही किसमें होगा, फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होगा। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से रेशियो में होती है, 2:1 में, और अब ये केमिकली कंबाइन होकर पूरी एक एंटिटी बना लेता है। अब ये पूरी एक एंटिटी H2O वाटर को डिनोट करता है, और ये H2O जो है ये पूरा एक एंटिटी, ऐसा नहीं है ये अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो देखो दोनों तरीके से इससे समझ सकते हैं कि कंपाउंड वो होता है जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वाटर से अपन क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कंपाउंड वो होता है जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो भी कैसे कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन इन फिक्स रेशियो में। जैसे ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:2 में ले लो, ठीक है, या 1:1 में ले लो, तो फिर वो वाटर नहीं कुछ और कहलाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड वो होते हैं जो एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और वो भी केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, 2:, मतलब फिक्स प्रपोर्शन में होना चाहिए। केमिकल कॉम्बिनेशन को इस लाइन से समझ सकते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब अब जो नई चीज बनेगी उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसे वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, हाइड्रोजन जो होती है अगर उसे अपन जलाए तो वो कंबस्टिबल है, जल जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में हेल्प करती है, लेकिन वाटर अपन सब जानते हैं ना तो जलता है ना जलने में हेल्प करता है। इसका क्या मतलब है, वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही अलग है, और ऐसा अलग होना क्यों हुआ, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हुए। तो कंपाउंड वो होते हैं, वो प्योर मैटर होते हैं जो टू और मोर एलिमेंट से बनते हैं, और एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से, और वो भी फिक्स रेशियो से बनते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रही सारी प्रॉपर्टी जिनके बेसिस पे अपन मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कर सकते हैं। पहली है लस्टर। लस्टर क्या होता है, साइनिंग इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सरफेस। जब भी किसी सरफेस को कट करते हैं तो उसकी जो नई सरफेस बनती है क्या वो साइन कर रही है या नहीं, उसे क्या कहेंगे, लस्टर। मेटल लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल नहीं, और लस्टर होने की वजह से ही मेटल की ज्वेलरी बनाई जाती है, सिल्वर गोल्ड ये यूज किए जाते हैं। नॉन मेटल जनरली लस्टर नहीं रखते, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो डायमंड और एक आयोडीन। डायमंड सब जानते हैं कि कितना लस्टरस होता है, डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है, तो डायमंड बोले तो कार्बन,
वो फॉर्म है एक और ये लस्टर शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, पहले सारी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होता है? व्हेन हैमर्ड और बीटन फॉर्म थिन सीट, जब अपन पीटते हैं उसको या किसी से भी मारते हैं उसके ऊपर, तो सीट में कन्वर्ट होगा या नहीं, अगर होता है तो उसे कहेंगे मेलेबिलिटी, नहीं होगा तो नहीं। तो मेटल्स मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, क्या वायर बनाए जा सकते हैं, तो उसे डक्टाइल कहेंगे, तो मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। नेक्स्ट है सोनोरिटी, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, मारने पर एक रिंगिंग साउंड एम्पलीफाइड साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सोनोरिटी। मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। इधर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल सोनोरिटी शो करते हैं, उसी वजह से मेटल के क्या बनाई जाती है, ये जो रिंगिंग बेल वगैरह होती है वो भी मेटल से बनाई जाती है, और जो वायर होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, जैसे गिटार वगैरह उन सब के इंस्ट्रूमेंट के वायर भी किसके बने होते हैं? मेटल के, ताकि वो ज्यादा सोनोरिटी शो करे, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, मतलब किसी चीज को कैरी या पास करने देता है या नहीं, तो मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल कंडक्टिविटी शो नहीं करते। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, अगेन ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, अपने पेंसिल सेल वगैरह जो आते हैं उनमें ग्रेफाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है मरकरी, एक तरह का मेटल होता है, रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, वो लिक्विड होता है। मेटल जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, अगेन मरकरी हार्ड नहीं होगा। नॉन मेटल जो होता है इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, अगर सॉलिड होते हैं तो भी, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या? डायमंड। डायमंड जो होता है वो एक्सेप्शन है किसका? हार्डनेस का। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। इवन इससे अपन चट्टाने वगैरह जो रॉक्स वगैरह होते हैं उनकी भी कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आयरन गोल्ड सिल्वर इसमें लिख सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन वगैरह इसमें लिख सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन है मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है, किस किस के बीच की? मेटल और नॉन मेटल के बीच की, उन्हें क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। इसमें क्या कहते हैं? बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम। इस एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न करें, इस तरीके से अपने एलिमेंट कंप्लीट होते हैं, और इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ये अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।